एक और बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी नेताओं के साथ में मीटिंग करेंगे। निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होने वाला है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे, खबर है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के विधायक और पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद सपा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, ये भी खबर है। निकाय चुनाव को लेकर सपा जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। अब देखिए समाजवादी पार्टी किस तरीके से पूरी ताकत झोंक रही है, इसी पर और जानकारी लेते हैं। मेरे साथी शैलेश बने हुए। शैलेश देखिए, सपा भी पीछे नहीं है, सबसे आगे भाजपा। लगातार बैठकों का मंथन का दौर भाजपा में किस तरीके से चल रहा है वो हम देख रहे हैं, और उसके बाद समाजवादी पार्टी है। आज ये खबर है कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ में पहली लिस्ट को लेकर प्रत्याशियों की मंथन करने वाले हैं। शैलेश दीपा देखिए, आज की जो बैठक है समाजवादी पार्टी की शाम को 7:30 बजे पार्टी मुख्यालय पर होगी, और ये अब तक की निकाय चुनाव के लिए आते समाजवादी पार्टी की इस बार की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है, क्योंकि इस बैठक के बाद में वो नाम लगभग तय हो जाएंगे जिनको पार्टी अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाने वाली है इस बार के चुनाव में। जो पहले चरण के नाम है खासतौर से, उन पर मानकर चलिए कि मोहर लग जाएगी। शाम को 7:30 बजे बैठक रखने के पीछे भी एक वजह है, वो भी हम जरूर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रमजान का वक्त चल रहा है, ऐसे में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस समय शाम के वक्त देखिए रोजा खोलते हैं, रोजा इफ्तार होता है कई जगह, तो निश्चित रूप से इस चीज को भी ध्यान में रखा गया और शाम को 7:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के विधायक, कई पूर्व विधायक, इसके अलावा जिलों के कई पदाधिकारी और संगठन के जो तमाम पदाधिकारी है, प्रदेश अध्यक्ष, सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, ये सब लोग मौजूद रहेंगे। और यहां पर जो लिस्ट है, ये मानिए उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। जो लखनऊ में महापौर का नाम है, जो पहले चरण के अन्य जगह पर चुनाव होने, उनके जो महापौर के नाम है, जो पार्षद के नाम है, और देखिए इस बैठक पर सिर्फ आम लोगों की नहीं बल्कि जो पार्टी से जुड़े जो टिकटार्थी है उनकी निगाहें लगी हुई हैं। कई हमारी पार्षदों से, जो निवर्तमान पार्षद है उनसे बात हुई, कई जो और लोग कतार में उनसे बात हुई, तो उन्होंने साफ कहा कि भैया हम तो पार्टी कार्यालय के आसपास ही रहेंगे, ये पता चल जाए जल्दी से जल्दी कि हमारा प्रत्याशियों को लेकर आज की बैठक बहुत अहम है। शैलेश आप ये जानकारी दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, आप रहे मेरे साथ, आपका मैं रुख करूंगी क्योंकि सारी खबरें लखनऊ से ही नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई मिल रही है। इसी बीच में लखनऊ से बड़ी खबर, भाजपा को टक्कर देने के लिए सपा की तैयारी। बड़े शहरों की समस्याओं को मुद्दा उठाएगी सपा। शहरों में और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपने प्रमुख विधायक और पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को सेमीफाइनल मानते हुए सपा बड़ी तैयारी में जुटी है। 2006 के चुनावों में साइकिल तेज रफ्तार से दौड़ी थी, नगर पालिका में उसकी 32% सीटें आई थी, जबकि अब देखिए नजर है 2024 के आम चुनाव पर। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश अपनी बात पूरी करें और जानकारी दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे को लेकर। अविनाश जी देखिए, अगर बात करें तो डिप्टी सीएम दिल्ली में इस वक्त मौजूद है और केशव प्रसाद मौर्य आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उन्होंने गृह मंत्री से मिलने का वक्त मांगा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निकाय चुनाव चल रहे हैं तो ऐसे में कैसे केंद्र सरकार का जो मार्गदर्शन है उसको लेकर के जाना है और किस तरीके से आगे निकाय चुनाव में तमाम सारे प्रत्याशियों को जिताना है, ये बड़ी जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हो चाहे दोनों उपमुख्यमंत्री हो, तीनों के अंदर 25-25 जिले आए हुए हैं, तो सभी की ये जिम्मेदारी बनती है। केंद्रीय आलाकमान ने साफ तौर पर कहा है कि निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए और इसीलिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश के तमाम सारे नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है बल्कि केंद्रीय मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई जा रही है। तो लिहाजा इस बीच में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्री से मुलाकात करने का जिस तरीके से वक्त मांगा है, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो केंद्रीय आला कमान है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम के प्रत्याशी हैं, जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं, उनका चयन करेगी, जब बाकी जो पार्षद हैं और इसके अलावा जो नगर पंचायत के लिए चेयरमैन का पद हो चाहे नगर पालिका के लिए चेयरमैन का पद हो, ये तमाम सारे जो पदों के प्रत्याशी होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उनका चयन प्रदेश कमेटी करेगी। यानी कि प्रदेश कमेटी जिस तरीके से मुख्यमंत्री हैं, दोनों उपमुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये लोग करेंगे। लेकिन मेयर का चुनाव दिल्ली से होना है कि जो नगर निगम है उत्तर प्रदेश के अंदर 17, उनमें कौन कौन से मेयर पद के प्रत्याशी होंगे इसको लेकर के दिल्ली में ही अंतिम मुहर लगनी है। और इस बीच में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज गृह मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और उनको तमाम सारी चीजों को लेकर के ब्रीफ कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं अविनाश की अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग मसलों पर तो बात होनी ही है, लेकिन केंद्र बिंदु में जो रहेगा वो निकाय चुनाव ही रहेगा, इसी को लेकर ये दौरा भी खास उनका हो जाता है। शुक्रिया अविनाश आपका, और शैलेश आप मेरे साथ बने रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।